तो दोस्तों, समय समय पे आपके लिए टॉप के स्टॉक ब्रोकर्स कौन से हैं, ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। उससे आपको फायदा मिलता है कि ये स्टॉक ब्रोकर पे आप नजर रखें और उस पर अकाउंट खोल के अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स भी होते हैं जिनसे आपको दूर रहना है, जिनमें शिकायतें बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं और वो कभी भी बंद हो सकते हैं। पिछले कुछ समय में कुछ स्टॉक ब्रोकर्स बंद हुए हैं और जो भी ट्रेडर्स थे उनका नुकसान भी हुआ है। इस वीडियो में बात करेंगे 9 ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स की जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा शिकायतें लेके बैठे हैं और जिनसे मोस्ट लाइकली आपको दूर ही रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक ब्रोकर है उसके खिलाफ शिकायतें होती हैं। अभी शिकायतें एक्सचेंज पे की जाती हैं और ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको समय के साथ ही उन शिकायतों को रिजॉल्व करना है। जितनी कम शिकायतें होंगी उतना बेहतर रहता है और वही आपको आइडिया देता है कि ये स्टॉक ब्रोकर पे आप विश्वास कर सकते हैं, उसकी सर्विस अच्छी है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भरोसे के लायक हैं या नहीं और भी काफ़ी चीज़ें। तो आज इस लिस्ट में हम 9 ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स की बात करेंगे जिनके खिलाफ शिकायतें रिलेटिवली ज़्यादा हुई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इन पर्टिकुलर ब्रोकर्स ने कुछ खास नहीं किया है अपने कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी। एक एक करके बात करेंगे ताकि लिस्ट आपके सामने क्लियर रहे। अब सबसे नीचे नंबर 9 पे है एलिस ब्लू ऑनलाइन। ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है, बेंगलोर से आता है। ये इस लिस्ट का पार्ट काफ़ी बार बन चुका है, पिछले समय में भी हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहे हैं ताकि आपको एडवांस में ही आइडिया दे सके। अब ये ब्रोकर इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स काफ़ी बड़ा है, करीब 86,631 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इसके पास, लेकिन 107 शिकायतें भी हो चुकी हैं, उसमें से 89 रिजॉल्व हुई हैं, जो कि रिलेटिवली ठीक है, लेकिन इनका कंप्लेंट परसेंटेज बनता है 0.12%, इंडस्ट्री का एवरेज है 0.08, तो इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा खराब है ये। ये नंबर जितना कम हो उतना बढ़िया है। 0.12 के साथ ये मार्केट में 9th पोजीशन पे है। नंबर 8 पे आता है एशलर सिक्योरिटीज। ये भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इसको आप विजडम कैपिटल के नाम से जानते होंगे। ज़्यादातर ये पर्टिकुलर ब्रोकर प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को बहुत सारा मार्जिन। हालांकि सेबी के लेटेस्ट मार्जिन पॉलिसी के बाद ये फैसिलिटीज की बंद हो जाएगी, लेकिन आज की तारीख में जो ब्रोकर है जो नोएडा से आता है विजडम कैपिटल, उसके पास करीब 8,028 एक्टिव क्लाइंट्स हैं और 11 शिकायतें इसके पास हो चुकी हैं 0.13%, जिसका कंप्लेंट परसेंटेज बनता है। आगे बढ़ते हैं लिस्ट में। 8वें के बाद 7वां नंबर है यस सिक्योरिटीज का। ब्रोकिंग कंपनी में ये बैंक बेस्ड ब्रोकर है, हालांकि यस बैंक में भी दिक्कत चल रही है तो यस सिक्योरिटीज में भी दिक्कत होगी। इसके पास आज की तारीख में 15,213 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। आज आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आज भी अगर आपके पास 15,000 क्लाइंट्स हैं तो जो भी क्लाइंट्स हैं बेटर रहेगा आप अपना अकाउंट बंद कर दें। यस बैंक के साथ प्रॉब्लम रहा है, यस सिक्योरिटीज के साथ प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके खिलाफ 20 शिकायतें हुई हैं, इसका कंप्लेंट परसेंटेज भी 0.13% है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 में है इंडिया बुल्स, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हाउस है। इसका नाम नहीं होना चाहिए था लिस्ट में, लेकिन इसकी कंप्लेंट्स हैं इतनी कि हमें इसको लिस्ट में डालना पड़ा। करीब 41,568 इसके क्लाइंट्स हैं, उसमें से 56 शिकायतें इनको मिल चुकी हैं, 0.13% इनका भी शिकायत का रेट है। अब ये नंबर्स और ये ब्रोकर्स को देख के आपको हैरानी भी हो रही होगी, क्योंकि बड़े नाम भी हैं इसमें और ऐसे नाम भी हैं जो कि रिलेटिवली जिनके साथ अकाउंट आप खोल सकते हैं, काफ़ी लोगों ने खोला तो हुआ ही है, लेकिन शिकायतें एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बताती हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रोकर में दिक्कत है, दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। अगली इस लिस्ट में नाम आता है ब्रोकर का, वो है रघुनंदन कैपिटल। फुल सर्विस ब्रोकर है, दिल्ली से आता है, डिस्काउंट ब्रोकिंग सर्विसेज भी देता है। करीब 2500 क्लाइंट्स हैं इसके पास और 4 शिकायतें हो चुकी हैं, जो कि इसके कंप्लेंट परसेंटेज को बनाती हैं 0.16। अभी इंडस्ट्री एवरेज से डबल हो गया, मतलब जितनी इंडस्ट्री को एवरेज में शिकायतें मिलती हैं इस ब्रोकर को उससे डबल मिलती हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। देन इन दिस लिस्ट एट द नंबर 4th पोजीशन वी हैव मेहता इक्विटीज।
ये भी फुल सर्विस ब्रोकर है, ये भी मुंबई से आता है, करीब 4500 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इसके पास, 7 शिकायतें हो चुकी हैं, कंप्लेंट परसेंटेज 0.16 है। अब एक्टिव क्लाइंट के बेसिस पे ये ब्रोकर थोड़ा सा छोटा दिखता है, लेकिन सर्टेनली शिकायतें इसके खिलाफ भी हो चुकी हैं। मूविंग हेड इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है बैलेंस इक्विटी ब्रोकिंग, फुल सर्विस है, मुंबई से है। मुंबई में ज़्यादातर स्टॉक ब्रोकर बेस्ड आउट हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी वेरियंस हैं, लाखों करोड़ों वाले क्लाइंट्स वाले स्टॉक ब्रोकर भी हैं, एट द सेम टाइम छोटे स्टॉक ब्रोकर जो हज़ारों में हैं, 3840 करीब 4000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, इसके खिलाफ भी 7 शिकायतें हो चुकी हैं, 0.18% इसका कंप्लेंट रेट है। और हैरानी की बात यह है कि 7 शिकायतों में से कोई भी एक शिकायत इसने सॉल्व नहीं की है। अब बैलेंस इक्विटी का नाम बैलेंस है, लेकिन काम में ये इम्बैलेंस्ड दिखते हैं, शिकायतें हैं, सॉल्व नहीं किया है। नंबर 2 में इस लिस्ट में नाम आता है फिनवेजिया सिक्योरिटीज का। बहुत सारे जो यूजर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो फिनवेजिया के बारे में पूछते हैं। अब फिनवेजिया का रिव्यू हम लेके आएंगे अलग से, लेकिन इस लिस्ट में इसका नाम आना भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। एक डिस्काउंट ब्रोकर है, 8832 इसके एक्टिव क्लाइंट्स है। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम शिकायतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 22 शिकायतें हो चुकी हैं, 0.24% इनका कंप्लेंट रेट बनता है, इंडस्ट्री एवरेज से 3 गुना ज़्यादा। अब फिनवेजिया वाले अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिनको ये एड्रेस करना चाहिए। अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह की लिस्ट में आते रहेंगे और सर्टेनली 1 point in time पे आके इनके जो ट्रेडिंग क्लाइंट्स हैं इनको छोड़ देंगे। 10,000 का मार्क अभी तक टच नहीं किया है इस ब्रोकर ने, एंड सर्टेनली इस तरह चलते रहे तो शायद कर भी नहीं पाएंगे। फाइनली इस लिस्ट को टॉप किया है डील मनी सिक्योरिटीज ने। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये लिस्ट में टॉप करना एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, और इस लिस्ट को टॉप करके डील मनी सिक्योरिटी ने अपना नाम सर्टेनली खराब किया है। थाने महाराष्ट्र से ये ब्रोकर आता है, 6500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इसके पास, छोटा ब्रोकर मतलब बहुत छोटा ब्रोकर नहीं है, छोटा ब्रोकर तो है ही, 27 शिकायतें हुई हैं इसके खिलाफ और कंप्लेंट रेट 0.41 मतलब इंडस्ट्री एवरेज से 5 गुना से भी ज़्यादा शिकायतें इस ब्रोकर के खिलाफ हुई हैं। अब देखिए इस लिस्ट में कोई छोटे नाम थे, कोई बड़े नाम, लेकिन आपका अगर इनके साथ अकाउंट है तो हमारी सजेशन यही रहेगी कि आप अपना अकाउंट या तो ध्यान से देखना शुरू कीजिए, कंप्लेंट रेट पे नज़र रखिए, बंद ही कर दीजिए। बहुत सारे ब्रोकिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, किसी और के साथ अकाउंट खोल सकते हैं, इनकी पर्टिकुलर सर्विसेज लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये शायद इनमें से कुछ हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि पिछले जो भी वीडियोज़ बनाए थे हमने उसमें से ऐसा सर्टेनली हुआ है कि ब्रोकिंग कंपनीज बंद हुई हैं, चाहे वो फेयर वेल्थ हो, चाहे वो कारवे ऑनलाइन हो, डील मनी तो चलो अभी है, BMA वेल्थ हो, ऐसे ऐसे ब्रोकिंग कंपनीज हैं जो कि बंद हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अर्न डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक मार्केट में जो भी हलचल होती है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एजुकेशन आपको चाहिए, यह सब मिलता है आपको। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।